50,000 रुपया, 80,000 रुपया, 90,000 रुपया में। एक्सीडेंटल वगैरह तो नहीं होगा ना? ना ना, एक्सीडेंटल की हम लोग 100% गारंटी लेते हैं जी, फाइनेंस करवा देंगे। थोड़ा बहुत सिविल ऊपर नीचे भी है, हाँ। उसके लिए सोचना है, मानिए कि जिनका सिविल बढ़िया है उनका तो हो ही जाएगा, तो हो ही जाएगा। लेकिन जिनका लो है, किसी वजह से थोड़ा सा लो हो जाता है, जैसे मानिए कि जो कोई गाड़ी लिए नहीं है, किसी का गारंटर बन गया है या फिर कुछ भी करके, मतलब उनका सिविल 550 हो गया, 600 हो गया है, 550-600 के अंदर में। नमस्कार जी, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ पटना में और आज आपको लेकर आया हूँ पटना के अंदर फिर से सेकेंड हैंड कार शॉप में। तो आज मैं आपको फिर से लेकर आया हूँ कार वर्ल्ड में, जहाँ पर आपने पिछले वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा उस पर प्यार दिया था, लगभग मिलियंस के टच कर गया था उस पर, ठीक है। तो उसी के बाद फिर से बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि कार वर्ल्ड का स्टॉक अपडेट कीजिए, तो आज फिर से मैं आपको लेकर आ गया हूँ कार वर्ल्ड के स्टॉक अपडेट में, ठीक है। तो अभी मैं आया हूँ वेयर हाउस के अंदर, यानी गोडाउन के अंदर आया हूँ लेकर। यहाँ पर आपको बहुत सारी कार मिलेगी छोटी बजट की, और हमारे साथ हैं, क्या हाल है? बहुत बढ़िया भैया, आप बताइए आप कैसे? अपना भी बढ़िया एकदम, मतलब पिछले वीडियो से एकदम धमाल मच गया बहुत, था। बहुत बढ़िया, पिछले वीडियो समझिए कि जो बहुत बढ़िया रिस्पांस आया है, लगभग समझिए कि मिलियन लोग देखे हैं, बहुत सारा कॉल आया, बहुत आदमी आए हैं, गाड़ी लेके गए हैं, तो बहुत सारा अभी रिस्पॉन्स भी आया है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं सेकेंड हैंड कार खरीदना पटना के अंदर, तो कहाँ पे आना है? बस उनको बोरिंग कैनाल रोड आना है, बोरिंग कैनाल रोड में हम लोग का ऑफिस है, पंचमुखी हनुमान मंदिर के एकदम ठीक सामने में है। अच्छा, पंचमुखी हनुमान मंदिर के जस्ट सामने आपको मिल जाएगा ऑफिस यहाँ पे, बाकी वहीं से आपको डीलिंग हो जाएगा जो भी गाड़ी है। तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, तो आप कॉल कर सकते हैं, बाकी फाइनेंस की सुविधा ऑल ओवर बिहार में हो जाएगी ना। 2013 का बाद जो भी गाड़ी है उस पर फाइनेंस बिहार में कहीं भी फाइनेंस करवा देंगे, थोड़ा बहुत सिविल ऊपर नीचे भी है, हाँ। उसके लिए सोचना है, मानिए कि जिनका सिविल बढ़िया है उनका तो हो ही जाएगा, तो हो ही जाएगा। लेकिन जिनका लो है, किसी वजह से थोड़ा सा लो हो जाता है, जैसे मानिए कि जो कोई गाड़ी लिए नहीं है, किसी का गारंटर बन गया है या फिर कुछ भी करके, मतलब उनका सिविल 550 हो गया, 600 हो गया है, 550-600 के अंदर में व्यवस्था। बस ये है कि जो लोन मतलब लिए हैं, लोन अगर दे दिए, उनका सिविल थोड़ा सा लो है, किसी वजह से तो हो जाएगा उनका। चलिए, तो आइए पहली गाड़ी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कलेक्शन में आपको आज मिक्स कलेक्शन देखने को मिला, जैसे की हुंडई की गाड़ियां है, सुजुकी किया, ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो पहली गाड़ी से बात करें, इसका क्या डिटेल होगा, ये कौन सा गाड़ी? ये हुंडई का i10 स्पोर्ट्स है, 2011 मॉडल की गाड़ी है। और ये गाड़ी, जी जी, ये गाड़ी अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। अच्छा, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, चारों टायर्स में नई डली हुई है, पटना से रजिस्टर्ड गाड़ी है, कलर हो गया मरून कलर, मतलब मरून कलर जी, पटना नंबर रजिस्ट्रेशन गाड़ी हो गई, बिल्कुल वेल मेंटेन है। एक्सीडेंटल वगैरह तो नहीं होगा ना? ना, एक्सीडेंटल की हम लोग 100% गारंटी लेते हैं जी। चलिए, तो एक्सीडेंटल आपको नहीं मिलेगा, मीटर टेम्परिंग भी नहीं रहेगा? ना ना, मीटर टेम्परिंग नहीं मिलेगा। कितना ये चला होगा लगभग गाड़ी? ये गाड़ी चला हुआ आपको 62,000 के आसपास गाड़ी चला हुआ है। डिमांड इसका कितना कर रहा है? इस गाड़ी का डिमांड करेंगे, 2011 का गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, इसका डिमांड करेंगे 1,85,000 रुपया। ओनली ओन 1,85,000? मात्र 1,85,000। इस गाड़ी पे फाइनेंस नहीं हो पाएगी, तो 1,85,000 ना? 1,85,000, 1,85,000 आप कैश में लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा अमाउंट होता है। अभी तो बाइक अपाची वगैरह भी लेते हैं तो लगभग उसी रेंज में लेना पड़ता है। अगर लेते हैं तो 1,40,000-50,000 मतलब बुलेट से सस्ती आपको यहाँ पर कार मिल जाएगी, आप आराम से इसमें एसी वगैरह सब ओके होगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल, एसी वगैरह सब ओके है। बाकी आपको इंटीरियर दिखाते हैं, चलिए इंटीरियर दिखाते हैं इस गाड़ी का, देख सकते हैं इसमें आपको सारा चीज देखने को मिलेगा, एसी वगैरह सब चालू होगा ना, पावर विंडो भी इसमें देखने को मिलेगा, एसी हीटर सब ओके है, देख पा रहे हैं गाड़ी एकदम, कोई इसमें खर्च नहीं, आराम से इस गाड़ी को अपना पर्सनल यूज के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रही दोस्तों पहली गाड़ी, चलिए नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आते हैं लेकर। नेक्स्ट गाड़ी हम लोग पोलो दिखा लेते हैं, इसको बोला जाता है आपको पॉकेट का रॉकेट, पावर बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल कम बजट में ये गाड़ी समझिए कि बहुत बढ़िया है, मजबूत के लिए मजबूत भी गाड़ी है, और डीजल में ये गाड़ी लगभग आपको माइलेज की बात की जाए तो 25-26 के आसपास का माइलेज भी रहा है, 38,000 चली हुई है, 38,000 चला हुआ गाड़ी होगा। पटना चारों टायर इस गाड़ी का भी नया लगाया हुआ है, MRF का चारों टायर मिलने वाला है, उसका बिल भी होगा। उसके बाद ये गाड़ी 2016 की होने वाली है, 2016 की गाड़ी हो गई, और ये गाड़ी सेकेंड ओनर होने वाली है, ये गाड़ी सेकेंड ओनर होने वाली है। कितना इसका डिमांड कर रहा है? इस गाड़ी का डिमांड हम लोग कर रहे हैं 3,50,000 रुपया, 3,50,000 ओनली, बिल्कुल। इसमें नया लगभग इस गाड़ी का प्राइस लगभग समझिए कि 11,50,000 रुपया था, और ये गाड़ी समझिए 2020 या 2021 में ये गाड़ी डिस्कंटिन्यू हो गई, इसकी जगह पे वर्टस आने लगी है। अच्छा, लेकिन अभी भी इस गाड़ी का डिमांड बहुत ज्यादा है, इस पर लोन हो जाएगी ना? इस गाड़ी पे भी लोन हो जाएगी, इस पे है कि ये डाउन पेमेंट 50,000 भी करेंगे, रेस्ट में लोन करवा देंगे। इतना 50,000 डाउन? मात्र 50,000 भी। चलिए 50,000 भी लेके आएंगे तो आपका लोन हो जाएगा, ठीक है। ये है दोस्तों वोल्क्सवैगन पोलो है ना? बिल्कुल, देख पा रहे दोस्तों गाड़ी की इंटीरियर की बात करें, आप देख पा रहे एकदम न्यू एंड क्लीन जैसा इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अमेजिंग कंडीशन की इंटीरियर है, पावर विंडो से लेके सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा गाड़ी के अंदर, ठीक है।
टायर वायर सब ओके है, एलॉय व्हील्स के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट गाड़ी की बात करिए कौन सी है। नेक्स्ट गाड़ी आपको हुंडई की सेंट्रो होने वाली है। सेंट्रो जी, रजिस्ट्रेशन होगी गया की। गया की रजिस्ट्रेशन से ये गाड़ी 2014 की होने वाली है। व्हाइट कलर, फर्स्ट ओनर और गया से रजिस्टर्ड गाड़ी है। और ये गाड़ी भी आपको अप्रोक्स 60,000 के आसपास चली हुई। ये भी गाड़ी 60,000 ओनली, बिल्कुल 60,000 चली हुई। इसका डिमांड कितना कर रहा है, शॉकिंग है। इस गाड़ी का डिमांड हम लोग कर रहे हैं मात्र 2,05,000 रुपया ओनली, ऑन 2,05,000। कस्टमर अगर आपके थ्रू आते हैं तो ये गाड़ी हम दे देंगे मात्र 1,90,000 रुपया फाइनल। फाइनल बिल्कुल, उसके बाद कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा ना। ना ना, 1,90,000 रुपया फाइनल उसमें है कि जो हम लोग ट्रांसफर करवा के देंगे। ट्रांसफर करवा के दीजिएगा ना, बाकी गाड़ी पे लोन हो जाएगा। इस पे इस गाड़ी पे लोन हो जाएगी, इस पे भी हो जाएगा, कुछ इस पे भी लोन करवा के लगभग 1,00,000 के कर या उससे नीचे भी लाएंगे तो हो सकता है। 50,000 भी लेके आएंगे, बाकी हम लोन करवा के भेजेंगे। ये है दोस्तों हुंडई की सेंट्रो जैसी गाड़ी। इंटीरियर भी इसका काफी अच्छा होने वाला, देख लीजिए सब कुछ इसमें आपको। पावर विंडो से लेके हर चीज आपको देखने को मिल जाएगा। क्या दो पावर विंडो है ना फ्रंट का? बिल्कुल, दोनों फ्रंट का पावर विंडो। म्यूजिक सिस्टम, एसी हीटर सब आपको चालू कंडीशन में देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आपको लेके आते हैं, जो कि मैंने देखा, फर्स्ट टाइम देखा। और सबसे पहले तो इसका यहाँ पर देख पा रहे हैं टायर और एलॉय व्हील्स बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। बहुत वाइड टायर लग रहा है, मतलब काफी चौड़ा टायर लगाया गया है। क्या डिटेल होगा इसका? ये गाड़ी आपको 2021 मॉडल होने वाली है। 21 के ये स्विफ्ट VXI होने वाली है। और VXI गाड़ी है, इसको एलॉय व्हील लगा के, टच स्क्रीन लगा के इसको टॉप मॉडल बनाने का कोशिश किया गया, लेकिन टॉप मॉडल तो बन नहीं सकती है। जी सही बात है। कितना चला होगा गाड़ी? ये गाड़ी आपको 31 या 32 हजार चली हुई है। 31-32 हजार के समथिंग चला होगा। कितना इसका डिमांड है? इस गाड़ी का डिमांड है 5,50,000 रुपए मात्र। 5,50,000 जी, थोड़ा बहुत प्राइस नेगोशिएबल रहेगा ना? बिल्कुल, थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा इसमें भी। चलिए, ये है दोस्तों सुजुकी की स्विफ्ट, और इसमें आपको एंड्रॉयड सिस्टम भी लगा हुआ है और सीट्स वगैरह भी काफी अमेजिंग है। और इसका एलॉय व्हील तो आप देख ही रहे, एकदम खतरनाक लग रहा है एकदम। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आते हैं, जो कि सुजुकी की होने वाली है, स्विफ्ट मारुति सुजुकी की है ना ये नेक्स्ट। बिल्कुल, क्या डिटेल होगा? हम लोग VXI तो दिखाई लिए हैं, 2021 का VXI दिखा लिए हैं। और ये गाड़ी समझिए 2019 में डीजल भी बंद हो गई थी। ये गाड़ी 2019 नवंबर की होने वाली है, डीजल टॉप मॉडल गाड़ी ये भी है। डीजल बिल्कुल, पटना नंबर रजिस्ट्रेशन है। बिल्कुल, जिनको समझिए VXI नहीं चाहिए उनके लिए VDI है, वो इसमें भी एलॉय व्हील लगा के हम लोग देंगे। एलॉय व्हील सब लगा हुआ है इसमें, बिल्कुल देख पा रहे हैं, एलॉय व्हील इसमें आपको देखने को मिलेगा, एकदम टॉप मॉडल वाली फील आएगी। बिल्कुल, और ये गाड़ी का माइलेज अप्रोक्स मानिए कि जो जो डीजल चला चुके हैं, ये गाड़ी समझिए कि जो 26-27 के आसपास ये भी माइलेज देती है। 26-27 पर लीटर, 26-27 की आपको माइलेज रहने वाली है। और गाड़ी आप देख पा रहे हैं बहुत ही वेल मेंटेन जैसी गाड़ी है, तो आप इसको अपना बना सकते हैं। ठीक है, गाड़ी बहुत ही अमेजिंग है, गाड़ी में कोई खर्च नहीं है। कितना इसका डिमांड कर रहे हैं? 2019 नवंबर की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, पटना नंबर है, और ये गाड़ी 39 हजार चला हुआ है। इसका डिमांड हम लोग ज्यादा करेंगे नहीं, इसका डिमांड मात्र हम रखे हुए 5,80,000 रुपया। 5,80,000 कस्टमर आपके थ्रू आते हैं इनमें भी हम लोग थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे। ये 7 सीटर गाड़ी होने वाली जी, है। कौन सी गाड़ी है ये? इस गाड़ी को बोला जाता है 7 सीटर में सबसे सस्ती गाड़ी बोला जाता है, रेनॉल्ट की। और ये गाड़ी भी आपको 2021 मॉडल होने वाली है। अच्छा, 21 की जी, 7 सीटर हो गई। टॉप एलॉय व्हील है क्या इसमें? ना ना, एलॉय व्हील नहीं है, ये गाड़ी आपको RXT होने वाली है, ये बीच का वेरिएंट है। अच्छा, इसमें डिस्प्ले मिलने वाला है, एयर बैग मिलने वाला है दो जी। और ये चला कितना है गाड़ी? ये गाड़ी आपको चला हुआ है 42 हजार किलोमीटर, 42 हजार के आसपास चली हुई गाड़ी होने वाली है। ओनर फर्स्ट होगा? फर्स्ट ओनर है और पटना से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, पटना से रजिस्ट्रेशन है। कितना इसका डिमांड कर रहे हैं? 2021 की गाड़ी है, RXT है, नया की अगर बात की जाए तो ये गाड़ी अप्रोक्स 10 लाख के आसपास आती है नया में। यहाँ से कितना में छूट जाएगा? तो अगर नया में नहीं जाके कस्टमर अगर मेरे पास आते हैं, ये वीडियो देखकर आते हैं, ये गाड़ी मात्र हम लोग छोड़ देंगे 5,80,000 रुपया में। 7 सीटर गाड़ी, 2021 मॉडल गाड़ी, इसका नया का दाम अप्रोक्स 9,98,000 या फिर 10 लाख के आसपास इसका प्राइस है ना। तो ये है दोस्तों रेनॉल्ट की RXT, देख पा रहे स्क्रीन वगैरह सब आपको देखने को मिलेगा। एसी से लेकर हर चीज आपको देख पा रहे हैं, एकदम नीट एंड क्लीन गाड़ी होने वाली है, मैट वगैरह सब लगा हुआ है, फुल फिनिशिंग गाड़ी होने वाली है, कोई खर्च नहीं है। 7 सीटर कार है, देख ही सकते हो आप लोग, 7 सीटर आपको कार देखने को मिल जाएगी। ठीक ना, आराम से फुल फैमिली इसमें आप बैठ के एंजॉय कर, जिनको भाड़ा वाड़ा में चलाना है वो भी कर सकते हैं, कमर्शियल पर्पस से भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और काफी अच्छा मिलता है ना जी। नेक्स्ट गाड़ी की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट गाड़ी फिर आपको सेरान में वरना होने वाली है, हुंडई की वरना। जी, आज वरना को नहीं जान रहा है। वरना तो बहुत ज्यादा क्रेज है इसका, सिटी और वरना का, और ऊपर से सनरूफ वाली गाड़ी होने वाली, देख सकते हैं ये, इसमें सनरूफ भी देखने को मिलेगा गाड़ी के अंदर।
कौन सा मॉडल है ये गाड़ी दिखाए हैं 2020 मॉडल 21 मॉडल, तो ये भी गाड़ी 2021 मॉडल ही है। 21 मॉडल हो गया जी। चला कितना होगा ये? ये गाड़ी आपको 24 ईयर चला हुआ है, 21 का गाड़ी ये फर्स्ट ओनर होने वाला है और जहानाबाद से रजिस्टर्ड ये गाड़ी है। अच्छा, जहानाबाद की रजिस्ट्रेशन हो गई जी। कितना में छोड़ दीजिएगा इसको? 2021 की गाड़ी है, एसएक्स है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, सनरूफ है, ये अंदर से इंटीरियर भी दिखा सकते हैं, टच स्क्रीन है, पुश बटन स्टार्ट है और ये गाड़ी हम लोग छोड़ देंगे मात्र 1,50,000 रुपया में। 1,50,000 जी नया में अगर लेने जाएंगे तो इस गाड़ी का समझिए कि उस समय 14.5 लाख के आसपास पड़ रहा था, अभी थोड़ा सा बढ़ गया प्राइस और थोड़ा सा इसका फेस भी चेंज हो गया, थोड़ा सा ये जी जी एलईडी वगैरह लगा के ये थोड़ा इसमें फेस इसका आप देख पा रहे हैं पूरा चेंज हो गया गाड़ी का। इस गाड़ी के लिए मात्र 3 लाख रुपया डाउन पेमेंट लेके आएंगे, रेस्ट हम लोग लोन करवा के भेजेंगे। 3 लाख? बिल्कुल। चलिए तो बढ़िया सिविल है, 2 लाख रुपया लेके आएंगे, बाकी हम लोग लोन करवा के भेजेंगे आपको। XUV500 ब्लैक पैंथर जी। क्या XUV500 ये 2015 की मॉडल होने वाली है, 15 में ये गाड़ी फर्स्ट ओनर है और उस समय का ये गाड़ी सबसे टॉप मॉडल है, W10 होने वाली है, उस समय W11 नहीं आती थी 15 में, उस समय की ये टॉप मॉडल गाड़ी है। इसमें सनरूफ मिलने वाला, पुश बटन स्टार्ट मिलने वाला, अलॉय व्हील जो भी इसमें फंक्शन आता था, ये स्क्रीन पे मैप मिलने वाला, जो भी इसमें फंक्शन समय आता था। अच्छा, जैसे स्कॉर्पियो में S11 था, S10 था ना, वैसे जी जी गियर भी काफी अमेजिंग है। 2015 की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है और इस गाड़ी को हम लोग छोड़ देंगे मात्र 8,90,000 रुपया में। 8,90,000 में? बिल्कुल। बाकी प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा ना। 2018 का स्विफ्ट डिजायर है और ये गाड़ी आपको डीजल में बेस मॉडल है, LDI है और माइलेज की बात की जाए तो ये गाड़ी 27-28 का माइलेज देती है। अच्छा, 27 बेस मॉडल गाड़ी है, इसमें ज्यादा कुछ फंक्शन है नहीं तो माइलेज का बहुत बढ़िया है। अच्छा। ये गाड़ी प्योर बना था भाड़ा में चलने के लिए, लेकिन ये गाड़ी प्राइवेट नंबर है, इस गाड़ी का भी आपको चारों टायर नया मिलने वाला है, टायर का ग्रिप आप दिखाई सकते हैं, इसमें 95% टायर बचा हुआ है, कवर वगैरह टायर वगैरह सब कुछ अपडेट रहता है, देख लीजिए गाड़ी, बस कस्टमर को ले जाकर चलाना है। डीजल गाड़ी है, 2018 की है, ये गाड़ी आप दे देंगे मात्र 5,10,000 रुपया में। पांच दिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी गाड़ी लेना है तो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, पंचमुखी हनुमान मंदिर के जस्ट आपको सामने मिल जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर कीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।